नमस्कार श्रोताओं, हिंदी पॉडकास्ट की सेवा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की पॉडकास्ट का विषय है बिल्ली के गले में घंटे। कहानी इस प्रकार से है, एक पंसारी था, उसकी दुकान में बहुत से चूहे रहते थे। वहाँ उनके खाने का भरपूर सामान था, वे अनाज, सूखे मेवे, ब्रेड, बिस्कुट, जैम और कई तरह की चीज़ें छक कर खाते थे। चूहों के कारण पंसारी को काफ़ी नुकसान होता था। एक दिन उसने सोचा, इन चूहों से छुटकारा पाने के लिए मुझे कोई उपाय करना चाहिए, वरना ये तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। एक दिन दुकानदार एक बड़ी और मोटी सी बिल्ली लेकर आया, उसने उसे दुकान में छोड़ दिया। अब चूहे खुले आम घूम नहीं फिर सकते थे। बिल्ली रोज़ किसी न किसी चूहे को पकड़ती और उसे मारकर खा जाती। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होने लगी। इससे चूहों को चिंता हुई तो उन्होंने इसका उपाय ढूंढने के लिए एक सभा बुलाई। सब ने एक स्वर में कहा, हमें इस बिल्ली से छुटकारा पाना ही होगा। पर छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए, ये उस सभा में किसी को नहीं सूझा। तभी एक होशियार चूहे ने खड़े होकर कहा, बिल्ली बहुत चालाक है, वह दबे पांव बड़ी फुर्ती से आती है, इसलिए हमें उसके आने का पता ही नहीं चलता। हमें किसी तरह उसके गले में एक घंटी बांध देनी चाहिए। दूसरे चूहों ने इसका समर्थन किया और कहा कि वाह क्या बात कही है, जब बिल्ली चलेगी तो उसके गले की घंटी बजेगी, हम घंटी की आवाज़ सुनकर सावधान हो जाएंगे। हम इतने फासले पर रहेंगे कि वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। सभी चूहों ने इस सुझाव का समर्थन किया। सारे चूहे खुशी से नाचने लगे। तभी एक बूढ़े चूहे ने, वह काफ़ी देर से देख रहा था, कहा कि खुशियां मनाना बंद करो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। ये सुनते ही सारे चूहे चुप हो गए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, उन्हें इस सवाल का कोई जवाब नहीं सूझा। तो इस कहानी से श्रोताओं की शिक्षा ये मिलती है कि जिस सुझाव पर हम अमल न कर सकें, वह सुझाव किसी काम का नहीं होता। तो आज की पॉडकास्ट में इतना ही था और उम्मीद है आपको ये कहानी भी बहुत पसंद आएगी। आने वाले समय में हम आपके लिए इसी तरह की और कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।